खबर बरेली से है, जहां होली की रात प्रेमनगर क्षेत्र के रहने वाले कार व्यापारी ब्रजेश कुमार गुप्ता के घर से लाइसेंसी रिवॉल्वर, सोने चांदी के आभूषण, लाखों रुपए की नकदी चोरी हो गई थी। पीड़ित ने बताया कि चोरी उस समय हुई जब वह परिवार के साथ होली की रात आखत डालने गए थे। इस मामले में पुलिस व एसओजी टीम ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई रिवॉल्वर, आभूषण और लाखों रुपये कैश बरामद किया है। पकड़े गए युवकों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई रिवॉल्वर, कारतूस, 3 लाख रुपए के चोरी किए गए आभूषण और 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। थाना प्रेमनगर में 8 मार्च 2023 को एक चोरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। वादी हैं ब्रजेश कुमार गुप्ता, पुत्र सुरेश चंद्र गुप्ता, ये थाना प्रेमनगर के निवासी हैं। इनके घर में चोरी हुई थी। आज उस चोरी का सफल अनावरण किया गया है। इसमें दो अभियुक्त जिनका नाम अमन और आर्यन है, ये दोनों सुभाष नगर करगैना के निवासी हैं। इनका कोई पूर्व में आपराधिक इतिहास नहीं है और इनके पास से जो बरामदगी है एक लाइसेंसी रिवॉल्वर 32 बोर की, 14 जिंदा कारतूस, 30 कारतूस के खोके।